नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है रजौरी जिले से आई है। बड़ी सफलता हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के हाथ में एक अहम सफलता लगी है, जहां 3 लश्करे तोयबा के जो है आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं एलओसी के पास से। वही 12 करोड़ रुपए की जो हीरोइन है, ड्रग माफिया जो है, हीरोइन जो है, उसको भी बरामद किया गया है। बहुत ही अहम सफलता इसलिए है कि पिछले दिनों ये अंदेशा जताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन की मदद से जो है हथियार पहुंचाए जा सकते हैं एलओसी के पास, और जो आतंकवादियों तक जो है पहुंचाने की कोशिश होगी। तो उसी के चलते पहले से ही हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अलर्ट पे थी, और उन्होंने एक सस्पिशियस मूवमेंट देखी एलओसी के पास और देखा एक ड्रोन से जो है हथियार शायद गिराए गए हैं। और उसके बाद जब 3 आतंकवादी जो है वहां पे दिखे उनको, तो उनमें से एक आतंकवादी ने ग्रेनेड भी फेंका पुलिस पार्टी की ओर, लेकिन वो ग्रेनेड फटा नहीं, जिसके बाद जो है तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए उन 3 आतंकवादियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके साथ साथ बालाकोट जो इलाका है रजौरी जिले का, वहां पे जो है 12 करोड़ रुपए की जो है हीरोइन, उसको भी बरामद किया गया है। एक बहुत ही अहम सफलता है। पहले हम सुनवाते हैं डीजीपी दिलबाग सिंह, जो जम्मू कश्मीर के पुलिस के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उनका क्या कहना है इस विषय पे। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और बाकी फोर्सेस सब मिलकर के जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए, यहाँ के हालात अच्छे हों, उसके लिए काम बराबर कर रही है। मगर पाकिस्तान की तरफ से उनकी एजेंसीज हमेशा एक्टिव रहती हैं कि हर तरीका इस्तेमाल करें जिससे जहाँ के अमनो अमान के माहौल को ख़राब किया जाए। कभी पार से ड्रोन से वेपन फेंके जाते हैं, नारकोटिक्स की तस्करी जो है पार से ड्रोन से होती है, और इन्फिल्ट्रेशन की बहुत सारी कोशिशें जो है वो रजौरी और पुंछ के खत्ते में हो रही हैं। सीज फायर वायलेशंस की अगर बात करें तो कोई दिन खाली नहीं जाता जब रजौरी और पुंछ के अलग अलग जगहों पर सीज फायर वायलेशंस नहीं होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी सतर्कता का इस्तेमाल करते हुए और बाकी फोर्सेस के साथ अपना तालमेल और जो जॉइंट मैनशिप है उसका इस्तेमाल करते हुए हमेशा एक्टिव रहती है, और इसी जॉइंट कार्रवाई में पुलिस ने 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। कल इन्होंने एक ऐसा ग्रुप पकड़ा है जो कश्मीर की तरफ से यहाँ पर पहुँचा था, और वो ग्रुप यहाँ पर इस एरिया में सस्पिशियस हालत में, जहाँ उसकी पुलिस को इतला मिली, उसके बाद पूरा एरिया जो है उसमें ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सर्च के दौरान 3 ऐसे लोग पाए गए जो बैग लेके घूम रहे थे, और जो ही पुलिस और आर्मी की पार्टी को नोटिस किया, उन्होंने बैग की जिप खोलते ही ग्रेनेड पार्टी के ऊपर फेंका, और अच्छी बात यह है कि वो ग्रेनेड फट नहीं पाया, और इतने में पार्टी ने उन 3 को धर दबोचा। उन 3 के कब्जे से जो सामान पकड़ा गया उसमें 2 AK-56 राइफल्स हैं, 2 पिस्टल हैं, 4 ग्रेनेड हैं, और 1 लाख रुपए कैश जो पाकिस्तान की तरफ से इनको मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए भेजा गया होगा, वो भी उसमें मौजूद था। ये 3 आतंकवादी लश्कर तौबा के साथ इनका संबंध है, और जो वेपन जहां पर इन्होंने रिसीव किए मिलिटेंसी में इस्तेमाल करने के लिए, वो वेपन ड्रोन से पार से लाए गए और किसी एक जगह पे फेंके गए, जिस जगह पर इन्होंने पहुंच करके उन वेपन्स को रिकवर किया, और पुलिस के कैसों के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान ये 3 के 3 पकड़े गए। ये 3 कश्मीर के रहने वाले हैं, इनकी बकाया पूछताछ अभी जारी है,
और पूछताछ के बाद जो फर्दर डिटेल हासिल होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इसके साथ दो बहुत अच्छे ऑपरेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी बाकी साथी फोर्सेस के साथ मिलकर किए हैं, जिनके लिए मैं चाहूँगा कि उनका ब्यौरा ऑपरेशन जहाँ का बालाकोट, हमारा बालाकोट, उसमें क्या क्या इन्होंने रिकवर किया, और बहुत बड़ी तस्करी की खेप जो पाकिस्तान से हीरोइन आई उसका जो जहाँ पर इन्होंने पकड़ा एक नेटवर्क, उसके बारे में आईजी साहब आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। पिछले कुछ दिनों में लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और बॉर्डर के पार की तरफ से टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए हथियार की स्मगलिंग, हथियार की को भेजा जा रहा है। इसी सिलसिले में 11 तारीख को एसओजी जम्मू पुलिस पुंछ और बालाकोट की लोकल आर्मी यूनिट ने एक ऑपरेशन किया, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे भारी मात्रा में हथियार और असला बरामद हुआ, जिसमें 3 पिस्टल हैं, 11 ग्रेनेड हैं, आईडी मटेरियल है और आईडी से रिलेटेड सारे सर्किट्स वगैरह हैं। इससे ये अंदाज़ा लगता है, साथ में एक पेन ड्राइव भी है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें किस तरह से आईडी को बनाते हैं, तैयार करते हैं और आईडी को लगाते हैं। ये इंस्ट्रक्शन सारे मुकम्मल उस पेन ड्राइव में मौजूद थे। ऐसा लगता है कि इनका मंसूबा टारगेट किलिंग्स या आईडी ब्लास्ट करने का था, जो कि जिसको कि इस टाइमली एक्शन से नाकाम कर दिया गया है। इसके अलावा टेररिज्म से ही लिंक्ड, जिसको नार्को टेररिज्म हम बोलते हैं, उससे लिंक्ड एक ड्रग्स की बड़ी कंसाइनमेंट 14 सितंबर को रजौरी पुलिस ने बरामद की, जिसमें 7 किलो हीरोइन था, जिसकी बाज़ार में कीमत कम से कम 7 करोड़ रुपए होगी। और उसमें जो गिरफ्तार जिस शख्स को किया गया, उसकी पूछताछ के बाद एक शख्स को कुलगाम से गिरफ्तार किया गया। और उन सब की पूछताछ से हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट बॉर्डर के पार से लाई गई थी और रखी गई थी। वहाँ फिर से हमें 4 किलो हीरोइन और बरामद हुआ, जिसकी और फर्दर 4 करोड़ कीमत होगी। और पुंछ के ही 3 शख्स को हमने इस सिलसिले में गिरफ्तार किया, जिन्होंने इस ड्रग्स की कंसाइनमेंट को लाने के लिए और उनको रखने के लिए और उनको फर्दर पीछे सप्लाई करने में मदद की। और इस एक्शन से आप ये समझ लें कि तकरीबन 11-12 करोड़ की टेरर फाइनेंसिंग को रोक लिया गया है। और ये सारा पैसा मुझे जो हमारी तफ्तीश में शुरुआती तौर पे आया है कि ये सारा पैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। तो आपने सुना डीजीपी दिलबाग सिंह को और साथ में आईजीपी मुकेश सिंह, जो जम्मू के आईजीपी हैं, उन्होंने वाजे कहा है कि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है पाकिस्तान की ओर से, और पाकिस्तान की ओर से जो है खेप भेजने की एक कोशिश थी, हथियारों की खेप भी थी और नशे की खेप भेजने की कोशिश थी, ताकि मिलिटेंसी को जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं उनको ताकत देने के लिए पाकिस्तान की ओर से ये भेजी गई थी। लेकिन जो अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनकी अलर्टनेस के चलते पाकिस्तान की ये मंशा विफल हो चुकी है। हमारे साथ हमारे जो नुमाइंदे हैं रजौरी में, शिवम बख्शी मौजूद हैं। शिवम, कितनी बड़ी कामयाबी है इस वक्त खासकर रजौरी जो है नौशहरा सेक्टर, वहाँ पर सीज फायर वायलेशन तो किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उनका असल मकसद अभी सामने आया है, असल मकसद था घुसपैठ करवाना और खासकर हथियार पहुंचाना इस तरफ। जी राजन, मैं बताता चलूं कि आए दिन जो है पाकिस्तान ये कराना हरकत करता रहता है, सीज फायर का वायलेशन करता रहता है ताकि वो घुसपैठ करा सके। लेकिन हमारी मुस्तैद जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, इंडियन आर्मी है, वो मुंह तोड़ जवाब देती है और उनको पीछे वापस धकेल दिया जाता है। इसी कारण आज आप वो जो है ड्रोन का यूज कर रहे हैं ताकि ड्रोन से वेपन ड्रॉपिंग हो रही है, और ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को।
खासकर 38 आर और राजौरी पुलिस को जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 3 लश्कर के जो है आतंकी जो है गिरफ्तार किए गए हैं। बीती रात को जो है ये स्पेसिफिक इनपुट थे इनके पास, बीती रात को राजौरी के गुर्दन इलाके में जो है इन्होंने एक क्वाडन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। जैसे ही इन पुलिस पार्टी को देखते ही ये एक्टिव मिलिटेंट्स जो थे इन्होंने ग्रेनेड एक लॉन्च किया सिक्योरिटी फोर्सेज पे, लेकिन लकीली जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं हुआ और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको दर्द पहुंचा। जी 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 शुभम, मुझे एक चीज बताएं कि जैसे कि स्पेसिफिक इनपुट थी इनके पास, क्या ऐसी इनपुट भी है कि कुछ और भी ज्यादा जो मिलिटेंट हैं उस इलाके में छिपे हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ जो 3 मिलिटेंट मिले हैं वो हथियार लेने के लिए जो कि ड्रोन से भेजे गए थे उनको लेने गए थे, लेकिन जो उनकी सस्पिशियस मूवमेंट थी उस पर शक हुआ पुलिस को और वो जो है शिकंजे में आ गए। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कश्मीर घाटी से जो ये मिलिटेंट आए थे कहीं ना कहीं जो है इस रूट को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि यहाँ से जो है हथियार पहुँचाए जाएँ, घुसपैठ करवाई जाए। क्या ऐसी कोशिशें भी पिछले दिनों में हुई हैं जिसमें ऐसा निकल के आया हो कि कुछ मिलिटेंट जो हैं घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं? क्या कोई ऐसी खबर है वहां पे? जी, घुसपैठ की तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन आए दिन पाकिस्तान जो है सीज फायर का वायलेशन इसीलिए कर रहा है ताकि घुसपैठ कराई जाए, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है और घुसपैठ की कोशिश को उनकी नाकाम कर रही है। उसी की आड़ लेके ये ड्रोन के थ्रू जो है वेपन ड्रॉपिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी बालाकोट सेक्टर में नियर LOC के पास से कुछ वेपन्स भी रिकवर हुए थे, कुछ चाइनीज पिस्टल्स थी ग्रेनेड से, वो भी इसी का हिस्सा माना जा रहा है। अच्छा, साथ ही साथ वो ये नार्को में भी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। ड्रोन के थ्रू वो है ये हीरोइन स्मगलिंग की जा रही है। पिछले दिनों राजौरी पुलिस को बहुत ही बड़ी कामयाबी जो है मिली थी। बिल्कुल शिवम, कहीं ना कहीं जो है नशे की खेप जो मिली है उससे ये वाजे हो जाता है कि जिस तरह से NIA ने कश्मीर घाटी में हवाला ट्रेडिंग के खिलाफ जो है कार्रवाई की है, अब कोशिश ये है कि नशे की खेप भेज के जो है, क्योंकि करोड़ों रुपए की जो है ये खेप जो है ये मिली है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि डेस्परेशन बुखलाहट पाकिस्तान में कितनी है कि यहाँ पे जो अंतिम सांसें इस वक्त हम कहेंगे आतंकवाद की चल रही है उसको नई सांसें देने की कोशिश है, नई जिंदगी देने की कोशिश है पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जो उन्होंने समय रहते इनको दबोच लिया, नहीं तो ये जिस तरह से DGP दिलबाग सिंह साहब ने बताया कि टारगेट किलिंग्स भी कर सकते थे। और ID जो इसमें मिली है वो कितना अहम है? जी, मैं बताता चलूं, ये जो बालाकोट में जो रिकवरी हुई थी SOP पार्टी और लोकल पुलिस और आर्मी के द्वारा जो रिकवरी की गई थी उसमें खासकर ID मटेरियल मिला जी, और खास एक पेन ड्राइव मिलेगी जिसमें ID बनाने का पूरा उसमें ब्यौरा दिया गया था कि किस तरह से वो ID बनाई जा सके। और बहुत ही बड़ी कामयाबी, मैं कहना चाहूंगा बहुत ही बड़ी कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को आज भी मिली और आज कुछ दिन पहले भी मिली थी। ठीक है शिवम, एक मेरा अंतिम सवाल ये होगा, जो आईडी मटेरियल मिला है क्या इन मिलिटेंट जो लश्कर तोयबा के बताए गए हैं इनमें से कोई आईडी एक्सपर्ट भी है? क्या पुलिस ने इसके बारे में जानकारी दी है? नहीं राजन, मैं बताता चलूं, वो जो आईडी मटेरियल था वो कुछ दिनों पहले बालाकोट सेक्टर से मिला था जी। ये आज का जो इसमें सिर्फ 3-2 AKs और कुछ ग्रेनेड्स वगैरह मिले थे जी जी, जिसमें 2 AK, मैं बताता चलूं, 2 AK राइफल्स, 4 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्टल्स, कुछ एम्यूनिशन और 1,00,000 रुपए की इंडियन करेंसी जो है आज मिली है। ठीक है शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो जानकारी दी। इस खबर पे नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो शिवम बख्शी जो हमारे नुमाइंदे हैं राजौरी में, उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये पुलिस की जो कामयाबी है ये काफी अहम इसलिए है क्योंकि इसमें ना बल्कि नशे की खेप जो है वो मिली है, वही ड्रोन से आप अंदाजा लगाइए जब घुसपैठ की कोशिशें नाकाम होने लगी, अब ड्रोन का जो है एक सहारा है पाकिस्तान के पास कि हथियार पहुंचाए जाए सीमा के इस पार ताकि यहां पे जो है अमनो उमान को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन यहां पे तारीफ करनी होगी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस के जवानों की, जिन्होंने समय रहते इनको दबोच लिया और एक बड़ी घटना होने से जम्मू कश्मीर में जो ये तबाही मचाते उसे होने से बचा लिया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।